वेलकम टू द सी बी एस ई इकोनॉमिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्टरल फ्लो, जिसमें दो टॉपिक मेन हम डिस्कस करेंगे, एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने देखा था कि इकॉनमी को हमने फोर सेक्टर में डिवाइड किया था, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। तो मैं एक बार उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में इंटरसेक्टरल फ्लो है क्या चीज़। देखिए, चारों सेक्टर का बड़ा मुख्य योगदान है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। दूसरा चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो ये एक तरह से इंटरसेक्टरल फ्लो हो रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करता है, उसके बदले में उसे पेमेंट करता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है उसे वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचता है, बदले में उससे पेमेंट्स लेता है। अब हम तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है? गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है, पहला रोल ये है कि टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों से अपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू जनरेट भी करता है और साथ ही साथ विभिन्न तरह की योजनाएं, स्कीम्स, सब्सिडीज के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों को टाइम टू टाइम सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसे बाहर बेचने का काम, मीन्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, और इम्पोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी भी एक्सटर्नल सेक्टर में आती है। इसके अलावा आपका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। तो सीधी सी बात है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करता है तो उस पर पैसा भी स्पेंड करता है। तो आपको इतना सीधा सा समझ में आ गया होगा कि चारों सेक्टर का रोल क्या है इंटरसेक्टरल फ्लो में। अब हम आगे बात करते हैं रियल फ्लो के बारे में। रियल फ्लो में जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, रियल फ्लो में या तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा या फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा। मतलब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं होगा। तो ये रियल फ्लो, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो हो जाएगा मनी फ्लो। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है वो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका फ्लो किधर से किधर हो रहा है अभी हम आगे अगले टॉपिक में बात कर लेंगे। दूसरा पॉइंट्स आपको याद रखना है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो में, ये दो ही फ्लो आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हम सीबीएसई लेवल पे क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो टू सेक्टर इकोनॉमी ही स्टडी करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म होगी। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर,
इसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐड करते हैं तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है। एक्सटर्नल सेक्टर को हम अगर इसमें ऐड करते हैं तो फोर सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। आपके ट्वेल्थ के लेवल पर केवल टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करनी है, तो आगे हम थ्री सेक्टर फोर सेक्टर उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी आप थ्री सेक्टर फोर सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पे आपको इतना ही स्टडी करना है। यह हमने एक फ्लो का चार्ट बनाया है, इधर है हाउस होल्ड सेक्टर और इधर है प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, ये प्रोवाइड किसको कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर सेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को। मतलब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से एरो देखिए प्रोड्यूसर की ओर जा रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर जा रहा है। मतलब इसका फ्लो, इसीलिए इसे सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर में ये फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन इसका इस तरह हो रहा है। एरो देखिए इधर से इधर गया, इधर गया, इधर से इधर गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने परचेज कर लिया तो प्रोड्यूसर सेक्टर से यहाँ पहुँच गया। अब फिर वही चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। जब तक इसे आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आपको ये बताना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आपका किधर से किधर फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर से फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज इज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ये आपका एक्सप्लेनेशन खत्म। दिस इज इंटरसेक्टरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। अब आगे हम बात कर लेते हैं मनी फ्लो का, क्योंकि इसमें अभी भी कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या तो फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रही है या तो गुड्स एंड सर्विस फ्लो हो रहा है। जब हम मनी का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा मनी का फ्लो। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला क्या है? फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस टू सेक्टर्स, क्योंकि हम टू सेक्टर स्टडी कर रहे हैं, मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म्स, मीन्स द प्रोड्यूसर सेक्टर इज हायरिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, देन प्रोड्यूसर सेक्टर विल पे फॉर यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज। इट मीन्स पेमेंट फॉर यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज। तो ऐसे केस में, और दूसरी चीज ये है, द हाउस होल्ड सेक्टर इज यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोड्यूसर सेक्टर, देन दे विल पे फॉर दैट। इट मीन्स द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया है तो उसके बदले में वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो मनी का फ्लो आपका हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ चला जाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। आगे प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज हायर किया, कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से, फ्री में तो नहीं हायर किया। फिर वो उसे पेमेंट करेगा, तो जब पेमेंट करेगा तो किस टर्म्स में पेमेंट करेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो मनी का फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर से कहाँ चला जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर।
मीन्स द हाउस होल्ड सेक्टर दैट इज अ कंज्यूमर सेक्टर, दे विल गेट मनी, दे विल गेट इनकम एंड दे विल स्पेंड ऑल द मनी द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर. तो जो पैसा इनको मिला वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस पे खर्च कर देंगे और वो मनी वापस फिर प्रोड्यूसर सेक्टर चला जाएगा. दिस इज द मनी फ्लो, दिस इज मनी फ्लो ऑफ इंटरसेक्टरल. मतलब अभी टू सेक्टर है तो टू सेक्टर मनी का फ्लो हो रहा है. बैंकिंग सिस्टम भी आएगा इसमें आगे, जब आगे आप स्टडी करेंगे थ्री सेक्टर भी आएगा, फोर सेक्टर भी आएगा. तो इस चीज़ को, सेम चीज़ जो हमने अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, द सेम यू विल एक्सप्लेन इन द एक्सप्लेनेशन. मतलब आपको ये जो एक चार्ट बना है सर्कुलर फ्लो का, इसे आपको आगे एक्सप्लेन करना अगर फुल मार्क्स लेना है तो. पहले डिफाइन करेंगे, फिर एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है. वेरी इजी, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है. और आप जानते ही हैं कि कई स्टूडेंट्स ने 100 के लिए ट्राई किया है और मिला भी है. तो अगर आप ऐसा मेहनत करेंगे, आपके विल पावर मजबूत होगी, आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है. क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए. कल हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं. सीबीएसई इकोनॉमिक्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.